ऐसे करके करके चला ना। और सबसे बड़ा पास्टर कौन है? इब्रानियों 13:20 मत पढ़िए, सबसे बड़ा पास्टर अपना यीशु है। यीशु खुद जीसस क्राइस्ट, यीशु खुद वन मैन शो नहीं किया तो हम क्यों? यीशु ने 12 चेले बनाए, बोला जाओ बपतिस्मा दो। बाइबल में लिखा यीशु ने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, यूहन्ना चाह रहे मत पढ़ो, लेकिन चेले दे देते। सीधा तो यीशु खुद होकर जब लाइसेंस दे रहा कि दो बाबा भर भर के दो, आप है मेरे साथ में, फिर हमको क्या तकलीफ है? बपतिस्मा देने से हम छोटे हो जाते क्या? अगर इसने उसको बपतिस्मा दिया हम छोटे हो जाते यार, समझा करो बात को। कैसा लग रहा है सर? अच्छा, हम यहाँ पर एक ही दुकान खोले या बहुत सारा? क्यों, जितने दुकान होंगे उतने कस्टमर आएंगे। See that. जितने साड़ियों की दुकान होगी उतनी लेडीज आएंगी। बोला ये नहीं समझा तो वो समझेगा, ये सस्ता नहीं करा तो वो करेगा। और दुकान वाले भी बोलते एक नहीं अनेक लगाओ, क्योंकि ये लोग एक से तो मन भरता ही नहीं है। कैसा लग रहा है? इसलिए ये सब हमको करना है। और लास्ट पार्ट में मैं आ जाता हूं, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो इसका मतलब है सिखाएगा कौन? ये उसको, ये इसको। और ये सिखाना क्या है जो कि अभी कल तक चलेगा, मैं आ जाता हूं वहां पर। सिस्टर कब देना ब्रेक? 10-15 मिनट, 10 या 15 15, मतलब 10 और 15 25। मजाक कर रहा हूं, राइट? सिखाना क्या है? देखो बड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखा है उन्हें सब बातें जो मैंने तुमको सिखाई है उनको मानना सिखाओ। ग्रीक में इसका मतलब ही अलग है। सिखाओ मतलब सिखाओ, टीच मतलब टीच, डोंट प्रीच। ग्रीक में डिडास्को मतलब सिखाओ, मतलब सिखाओ, आपको उसको प्रीच नहीं करना। आजा बेटा, दोनों आप लोग दोनों बैठ जाओ, थक जाओगे बच्चे लोग जी। मैं फिर आ जाता हूं, टीच मतलब टीच, नॉट प्रीच। प्रीचिंग को जहां जहां प्रीचिंग वर्ड है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्लेमिंग, प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम मतलब अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, घोषणा, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट मतलब टीचिंग का एक पार्ट है, घोषणा टीचिंग का एक पार्ट है, अगर आप लोग समझ रहे होंगे। जब आप किसी को टीच कर रहे हैं, ये टीच हो गया, फिर ये बाहर जाकर जो सीखा उसकी घोषणा करता है। क्या सीखा? यीशु अकेला मात्र परमेश्वर है। क्या सीखा? यीशु को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है। तो ये पूरा टीचिंग नहीं देगा, ये टीचिंग में जो सीखा है उसकी घोषणा करेगा, उसको कहते हैं प्रीचिंग। कैसा है प्रकाश? टीचिंग इंपॉर्टेंट है देन प्रीचिंग। आप प्रीच करके अंदर ला सकते हो, लेकिन अगर उसको बना रहना है तो टीच करना जरूरी है। See that? और यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में टीच ही किया है, और यीशु मसीह के चेलों ने भी टीच किया है। पत्रस को जहां भी पकड़ा गया, रेफरेंस नहीं बोलूंगा मैं अभी, यीशु मसीह जी सब ठीक है, यीशु मसीह को जब भी पकड़ा गया पत्रस प्रचार करते हुए नहीं, प्रीच करते हुए नहीं, टीच करते हुए पकड़ा गया। मेरे पास में रेफरेंस है, अगर आप एक देना एक दे देता हूं, प्रेरितों की किताब 5:25, प्रेरितों की किताब 5:25, पास्टर जी प्लीज, क्योंकि कुछ लोग शकीना जैसे देख रहे हैं। प्रेरितों की किताब 5:25, प्रेरितों की किताब 5:25। कैसा है प्रकाश? सिदस आज जब बोलता तो लोग सुनते नहीं जी। 5:25, इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया जी, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में रखा था, हाँ, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। सर, उपदेश का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? टीच। उपदेश मतलब क्या? टीचिंग। इंग्लिश पढ़ लो पता चलेगा। और मेरे पास में कम से कम 50 से भी ज्यादा ट्रांसलेशन है। मेरे पास में पूरा का पूरा बाइबल हब है एप्लीकेशन, और उसमें कोई भी ट्रांसलेशन निकाल कर पढ़ लेना, आपको वहां पर पाया जाएगा कि पीटर वॉज टीचिंग नॉट प्रीचिंग। और आगे पढ़िए 27 से पढ़िए जी। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया, हाँ। तब महायाजक ने उनसे पूछा, हाँ, क्या हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा न दी? क्या हमने तुमको वार्निंग नहीं दी थी? क्या हमने तुमको डांट नहीं लगाई थी? क्या कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? भेंट क्या नहीं करना? तो इस नाम से तुम किसी को टीच नहीं करना। तो इधर देखिए प्लीज, बेटा थोड़ा साइड हो जाओ, इधर देखिए प्लीज सब लोग, प्रकाश यहां दिखाओ। तो यीशु ने पत्रस को कहा कि मेरी बातें उन्हें सिखाओ। तो पत्रस के दिमाग में इतनी घुस गई कि मेरे को प्रीचिंग पे नहीं, हर पास्टर से रिक्वेस्ट है, सर प्रीचिंग आप लोगों का बहुत अच्छा है, आपको सलूट है, वो 3.5 वाला है, लेकिन अपना बात चल रहा है 40 वाला। टीचिंग पे ध्यान दीजिए सर, मैं रिपीट करता हूं, टीचिंग पे ध्यान दीजिए। यहां जितनी मम्मियां हैं, आपके बच्चे होंगे, आप लोग कैसे पालते बच्चे को? जब छोटा बच्चा होता है तो गर्दन नहीं झुक जाए, गर्दन नहीं टूट जाए, हाथ गर्दन तक लेके जाते हैं, सर को ऐसे प्यार से उठाते हैं। दूध पीने के बाद में मैंने किया है इसलिए मेरे को पता है, दो का अनुभव है, बीवी नहीं बच्चों का।
आप है मेरे साथ में, ऐसे उठाकर पीठी मारना पड़ता है, फिर वो ढकार आती है तब पता चलता है हजम हुआ है, फिर धीरे से उसको रखना पड़ता है। और अगर किसी ने और ने उठाया, आते हैं ना ले 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 कितना अच्छा बच्चा है, फिर माँ ऐसा देखती रहती है, अंदर बोलती रहती है ठीक से उठा ठीक से उठा। तो ऐसे धीरे धीरे पाल के, एक पौधे के ऊपर कितनी मेहनत होती है साहब, उस पे पानी डालो, उस पे खाद डालो, आसपास में साफ करो, बच्चे को पौधे को इतना ध्यान देते हैं। कलीसिया पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बोला कलीसिया खुद बढ़ जाएगी, सब्जी खुद बन जाती है क्या, गाजर खुद ही कट हो जाता, प्याज खुद ही कट हो जाता, चूल्हा खुद ही जल जाता, अंदर खुद ही गिर जाते हैं मिर्ची मसाला, हद होती है यार, बनाते हैं ना बावर्ची लोग। वैसे आपको चर्च को बनाना है, राइट सर पास्टर, टीच करना है हर बच्चे को चर्च में, पास्टर ने उस पर मेहनत करना है। अगर पास्टर मेहनत नहीं कर सकता तो लीडर को तैयार करना है, जो कि आप लोग कर भी रहे मैं जानता हूं, ये इसको टीच करेगा, ये उसको टीच करेगा। यित्रो भड़क गया, यित्रो मालूम है कौन है, यित्रो मूसा का ससुर, यित्रो भड़क गया, बोला हो क्या रहा है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक तू 24/7 इनके पीछे लगा रहता है। बोला क्यों, प्रॉब्लम क्या है, बोला ना तेरे बच्चों पे ध्यान है ना तेरे घर पर ध्यान है, ऐसा करेगा तो तू भी मर जाएगा जल्दी और ये लोग भी नाश हो जाएंगे। बोला फिर क्या करो, बोला लीडर बनाओ, लिखा है कि नहीं लिखा है। जबकि उसके पास में चर्च मिशन नहीं था पास्टर जी, उसके बावजूद भी यित्रो को समझ में आया, और मैं समझता हूँ ये प्रभु ने उसको दिमाग दिया, क्योंकि यहोवा मूसा को बोलता है जैसे ससुर ने बोला वैसा कर। इधर हम लोग ही गाना गाएंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनल, इधर हम ही गाना गाएंगे, हम ही बजाएंगे, मैं ही प्रचार करूंगा, ऑफरिंग का भी गाना मैं ही गाऊंगा, अनाउंसमेंट भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का, एक अनाउंसमेंट अलग कर रहा है, कोई अलग गीत गा रहा है, और आप लोग सबको बांट के दे दिए, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ संतोष भाई, सैल्यूट करता हूँ आपकी मिनिस्ट्री को, आमीन। ये सिस्टम था यीशु का, ये सिस्टम होना चाहिए हम सभी का। तो ज्यादा जोर किस पे देना है, टीचिंग पे, सिखाओ। और आपको तो सबको पास्टर साहब ने और जितने भी चर्चेस में जाते हैं आप सबको हक है, एक बार सुनते हो दूसरी बात, ये बार बार कभी डैनियल राज आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है, कभी ये आ रहा है, बोला चलो शिक्षा, बस हुआ ना साहब शिक्षा, नहीं समझ में आया, मिला ना इतना, और अभी 2 दिन तो आपको इतना अच्छा मिला, अब इसको कहते हैं इनकमिंग तो आ रहा है लेकिन आउट गोइंग बंद है, ऐसा सिम खरीदोगे क्या आप, नहीं खरीदोगे, बोले दोनों वाला लाओ, अंदर भी आए बाहर भी जाए, वही तो मैं भी समझा रहा हूँ, काहे चांगला बोलते हैं, ले चांगला बोलते हैं पास, अरे मुंबई बता, ले ले का तालियां कब तक बजाओ, तालियां कब तक बजाओगे, तालियां बजवाओ, राइट सर, हम तालियां बजा रहे हैं। कम से कम हाथ तो रख लिया करो, मेरे को पता ना चले, मैं फिर पूछूंगा कैसा लग रहा है। तो यहाँ टोटल 6 बातें हैं, पहला क्या है अधिकार, दूसरा क्या है जाओ, तीसरा क्या है जातियों में, चौथा क्या है चेला बनाओ, पांचवा क्या है बपतिस्मा, छठवा क्या है सिखाओ। ये 6 चीज हमको याद नहीं है, लेकिन मोबाइल का 10 नंबर याद है, मैं रिपीट करता हूं, मोबाइल का पास जी 10 नंबर याद है, लेकिन ये 6 पॉइंट याद नहीं है। यूहन्ना 3:16, भजन संहिता 23, भजन संहिता 91, करुणा के वचन, दया के वचन, क्षमा के वचन, बाबा क्या देता, स्टिकर लगाते घर के पास में, घर के बाहर में, घर के अंदर में, दरवाजे के ऊपर, यीशु के लहू की जय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब लिखते हैं, ऊपर से परमेश्वर बोलता खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, ये कहां जाएगा रे बाबा। कैसा लग रहा है सर आप लोग, एक व्यक्ति खड़ा होकर बीच में बोलो मेरे को, डैनियल भाई तुमने जो भी सिखाया सब गलत सिखाया, आओ देखते किसमें दम है, आओ, राइट सर। तो ये करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि मैडम ने मेरे को अल्टीमेट टाइम दे दिया है तो मेरे को उसमें खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे को इनके साथ ही काम करना है, आगे बढ़ के खत्म करें जल्दी से। अभी हल्के से पड़ोसों को नहीं मारो, बोलो आखिरी मसाला, बंद कर दे छोटे, थैंक यू, नहीं हो गया फिनिश।